गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। लिखो, energy stored in inductor एक तो ये है, और इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे आज। और जैसे कि मैंने कहा था कि एसी जनरेटर पढ़ाना है, और उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर होता है, और हम अल्टरनेटिंग करंट भी शुरू कर सकते हैं आज ही। तो ठीक है, देखो, एनर्जी जो होती है किस फॉर्म में होती है वो भी देखेंगे। एनर्जी जैसे कि हमको मालूम है कि कैपेसिटर में कैसे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, ठीक है। इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है। पहली चीज़ तो ये याद रख लो। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन इंडक्टर। लेकिन ये कब स्टोर होती है? जब करंट होता है। व्हेन देयर इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर, व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर। और ये स्टोर हो जाता है, दैट मीन्स वी कैन यूज दैट एनर्जी लेटर। किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी को हम बाद में यूज कर सकते हैं। अभी देखो, जैसे कि एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ रेजिस्टेंस का। ध्यान से देखना, क्या रेजिस्टेंस में कोई एनर्जी स्टोर होती है क्या? ध्यान से बताओ, रेजिस्टेंस में कोई एनर्जी स्टोर होता है क्या? बोलो एनीवन। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ, इज देयर एनी एनर्जी स्टोर्ड इन रेजिस्टेंस? नहीं होता है ना, कोई एनर्जी स्टोर नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो ही नहीं सकती, बिकॉज उसमें तो हम जानते हैं कि कंडक्टर है, वो सिंपल एक स्ट्रेट वायर है, कंडक्टर है। सो इलेक्ट्रॉन्स के बीच कोलिजन होता है तो हीट जनरेट होती है। हाँ, यस, वेरी गुड। तो हीट जनरेट होती है, सो उसमें तो लॉस हो जाता है फिर, मतलब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो लॉस हो गई, लॉस्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए मैं साइड में लिख देता हूँ, देखो, ताकि और अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाए। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। बट इंडक्टर में क्या होता है, जब करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने के लिए बैटरी चाहिए। बैटरी से जब कर बैटरी हम लगाते हैं इंडक्टर के अक्रॉस, और करंट आने लगता है, तो एक मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है उसमें, एंड देन दैट एनर्जी वी कैन यूज इट लेटर, ठीक है ना। दिस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी यूटिलाइज लेटर, दिस स्टोर्ड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी यूज लेटर फॉर सम अदर पर्पस। इसका मैं आगे बताऊंगा, आगे हम एलसी ऑसिलेशंस पढ़ते हैं। यहाँ साइड में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, एलसी ऑसिलेशंस,
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे मैं डिस्कस करूँगा जब हम एसी पढ़ेंगे। और यही एलसी ऑसिलेशंस का ही यूज़ करके हम रेडियो वेव्स जनरेट करते हैं, जो हम देखते हैं ना रेडियो एफएम, जो देखते हैं हम एफएम एएम, ये रेडियो मिर्ची, ये सब जो सुनते हैं आकाशवाणी, है ना। तो ये रेडियो वेव्स एलसी ऑसिलेशंस का यूज़ करके ही हम जनरेट करते हैं। तो इंडक्टर एक इम्पॉर्टेंट है, डिवाइस है, मतलब ये समझ जाओ, ठीक है ना। कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस तो बस हीटिंग इफेक्ट के काम आता है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा वो भी देखेंगे। देखो ध्यान से, सपोज ये इंडक्टर है, इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दिया। अब ये इंडक्टर से करंट है आई, सो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल आई, नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स ध्यान से देखते चलो, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल, ये है एल आई, ठीक है ना। तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, दैट मीन्स माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट? अभी देखो, ये V इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी आ गया, ठीक है। अभी मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा, नेक्स्ट पेज में देखो, आगे बता रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड उठा रहा हूँ मैं, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, ऐसे मैंने लिख लिया। तो डी आई बाई डी टी मान लो पॉजिटिव है, बिकॉज करंट तो इंक्रीज ही हो रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा अभी देखो, डी डब्ल्यू बाय डी क्यू, ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये तो फॉर्मूला मालूम ही है सभी को, है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वी की जगह एल डी आई बाय डी टी रख दो, देखो ध्यान से, एल डी आई बाय डी टी, ये डी क्यू को राइट साइड ले आओ, सो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एल डी आई बाय डी टी इंटू डी क्यू। अच्छा और आगे देखो, डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, सो एल डी आई इंटू आई, सो डी डब्ल्यू आ गया एल आई डी आई, फाइन। सो ये है स्मॉल एक्सटर्नल वर्क डन बाय बैटरी टू कॉज फ्लो ऑफ करंट आई, फॉर स्मॉल टाइम डीटी। ठीक है ना, स्मॉल टाइम डी टी के लिए एक करंट हमने फ्लो कराया आई, कहाँ से, इंडक्टर से, तो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा ना, बताओ क्यों करना पड़ेगा, चलो कौन बताएगा इसका आंसर, यस एनी वन, बैटरी को क्यों वर्क करना पड़ेगा, कोई सोच के बताएगा, एनी आंसर गाइस। माय क्वेश्चन इज व्हाई बैटरी हैज टू डू वर्क इन ऑर्डर टू फ्लो करंट थ्रू इंडक्टर, व्हाई बैटरी has to do work in order to flow current, बोलो आंसर बोलो, इंडक्टर से करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, बट क्यों करना पड़ेगा, ये मेरा क्वेश्चन है, बोलो कुछ भी आंसर है, जो भी दिमाग में आ रहा है आंसर बताओ।
क्यों वर्क करना पड़ेगा? एनी आंसर गाइस? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, पोटेंशियल एनर्जी लाना ही है तो वर्क तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? सही आंसर है। अभी देखो, जैसे कि जो मैं पानी को स्टोर करता हूँ, ऊपर टंकी है, पानी बिल्डिंग के ऊपर टंकी है, ठीक है ना, हम सब घरों में यूज़ करते हैं, तो पानी को मुझे ऊपर चढ़ाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। अगर मैं सपोज मैं बकेट ऑफ वाटर लेके जा रहा हूँ सीढ़ी से, अगर मैं छोड़ दिया बकेट तो वो तो नीचे ही गिरना है बकेट, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ भी ऐसी कुछ आंसर बताओ कि किस फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा, किस फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो मैं आंसर दिख देता हूँ। देखो, जो इंड्यूस करंट फ्लो होता है ना, वो करंट को अपोज करता है, ठीक है? तो मुझे जो ओरिजिनल करंट फ्लो कराना है, वो मुझे इंड्यूस्ड करंट के अपोजिट फ्लो कराना है, तो उसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना? टू कॉज करंट टू फ्लो अगेंस्ट इंड्यूस्ड करंट। हम सभी को मालूम है इंडक्टर जो है करंट के इंक्रीज को अपोज करता है, ठीक है? तो बिकॉज इंड्यूस करंट वो फ्लो कराने लगता है, तो उस इंड्यूस करंट के अपोजिट हमको ओरिजिनल करंट को फ्लो कराने के लिए वर्क करना पड़ेगा। सो यहाँ से हमको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वर्क तो करना पड़ेगा, और यही एक्सटर्नल वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना? ये पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही कॉमन सा कंसेप्ट है, हम स्प्रिंग में भी पढ़े हैं, ग्रेविटेशन में भी पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़े हैं, ठीक है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में भी आ गया। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो चार्जेस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है। याद है ना फॉर्मूला? साइड में लिख दूं याद करने के लिए, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। एक तो फॉर्मूला ये था पोटेंशियल एनर्जी का, और कैपेसिटेंस में क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, राइट? ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे ना, कैपेसिटर में और चार्जेस के जो सिस्टम होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है, तो इंडक्टर में भी आती है, ध्यान रखना, बट ये इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। तो इसको अब मैं इंटीग्रेट करके लिखता हूँ नेक्स्ट पेज में, देखो। सो जो स्मॉल वर्क डन है वो आया एल आई डी आई, सो टोटल वर्क अप टू जीरो टू आई, करंट इनिशियल करंट जीरो है, फाइनल करंट आई है, सो टोटल वर्क डन हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो डी डब्ल्यू को, इंटीग्रेशन ऑफ एल आई डी आई, सो वर्क डन आ जाएगा, देखो ध्यान से, एल आई स्क्वायर बाय टू, ठीक है? ये फॉर्मूला है, तो यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, हाफ एल आई स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला गाइस, ओके, नोट डाउन। और यहीं से हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं एल का, एल का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टू यू बाय आई स्क्वायर का डायमेंशन, टू तो डायमेंशन लेस है, यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, और करंट स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, सो ये बन जाएगा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, समझ आ गया? एग्जाम में अगर इंडक्टर का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है? एक तो लेंथी फॉर्मूला और है, फाइ इज इक्वल टू एल आई से, फिर फाइ इज इक्वल टू बी ए,
और फिर F इज इक्वल टू क्यू वी बी से बी का निकालना, ठीक है ना। यहाँ से जल्दी आ रहा है देखो इंडक्टर का, कम टाइम में आ जाएगा। डायमेंशंस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। हर एक चैप्टर में जो क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। बीच बीच में मैं इसके टेस्ट लेता रहूँगा डायमेंशंस के। चलो लिख लिया। एक मैं न्यूमेरिकल दे देता हूँ, यहाँ साइड में एक बेसिक सा क्वेश्चन है। इंडक्टर कैरीज 2 एम्पियर करंट एंड स्टोर्स 100 जूल ऑफ एनर्जी, फाइंड इंडक्टेंस, फाइंड इंडक्टेंस। चलो करके बताओ जरा, सॉल्व करो, इंडक्टेंस फाइंड करना है, बोलो आंसर दो, 30 सेकेंड्स में आंसर दो। एनी आंसर? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ओके हाँ ठीक है, हाँ कितना 50, हाँ ठीक है 50 आ गया, यस वेरी गुड। सो 100 इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। सो एल की वैल्यू आ गई 50 हेनरी, वेरी गुड वेरी गुड, 50 हेनरी आ गया। ठीक है, ये जो इंडक्टर है इसके बारे में और मैं आगे बताता हूँ। देखो इसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होते हैं, ठीक है क्लियर। ये एनर्जी हो गया, डन हो गया एनर्जी। अच्छा बैटरी ने कितना वर्क किया होगा वो भी, वो तो मालूम है ना, इतना ही बैटरी भी वर्क करती है। देखो अच्छा मैं नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ, अगर किसी एमसीक्यू में पूछा तो टोटल वर्क डन बाय बैटरी, तो यहाँ हम लगाएंगे dW बाय dQ इज इक्वल टू EMF, ठीक है ना, EMF ऑफ सेल। सो dW हो जाएगा EMF इंटू dQ, और EMF उतना ही है जो अपना इंडक्टर का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो होएगा LdI अपॉन dt। सो LdI, इसका भी अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, सो हाफ LI स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये है वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, क्लियर। और रेजिस्टेंस भी अगर है तो फिर हीट भी जनरेट होगा, इफ रेजिस्टेंस इज ऑल्सो देयर, जो कि नॉर्मली होता है। इफ रेजिस्टेंस इज ऑल्सो देयर देन पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना जाएगा, आई स्क्वायर आर, या हाँ चलो आई स्क्वायर आर लिख लेते हैं। सो dW इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर dt। फिर करंट को हमको वहाँ से निकालना पड़ेगा। देखो करंट का एक फॉर्मूला था ना, हमने डिराइव किया था ग्रोथ ऑफ करंट के लिए, I0 इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय टाउ ड्यूरिंग ग्रोथ। तो यहाँ से हम ये I0 I की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हीट जनरेट का एक आ जाएगा फॉर्मूला, dW इज इक्वल टू I0 स्क्वायर 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय टाओ
आर इंटू डी टी। अब यहाँ से मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो हीट आ जाएगी, टोटल हीट जनरेटेड अक्रॉस आर, ठीक है ना। अगर रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल हीट जनरेटेड यहाँ से हम निकालेंगे। और इसके आगे ये मैं पूरा कर देता हूँ इंटीग्रेशन, देखो नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ। जीरो से टी इंटीग्रेट करो इसको ज़रा, टोटल हीट आ जाएगी जीरो से टी, इसको इंटीग्रेट करो, आई नॉट स्क्वायर एच से लिख देता हूँ, टोटल हीट, टोटल हीट इन जीरो टू टी सेकेंड्स, जीरो टू टी सेकेंड्स में टोटल हीट कितना आएगा, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन है, देखो ध्यान से, आई नॉट स्क्वायर आर तो कांस्टेंट है, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर वन माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय टाओ का होल स्क्वायर डी टी, है ना, स्क्वायर भी तो है उधर हाँ स्क्वायर भी है यहाँ पर, ठीक है। अभी ये ए प्लस ये अपना ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ ज़रा, तो देखो क्या आ रहा है, आई नॉट स्क्वायर आर वन प्लस ई रेस टू माइनस टू टी बाय टू, देखो सही कर रहा हूँ ना मैं, बताओ ई की पावर ए एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, ई की पावर टू ए एक्स, राइट, माइनस टू ई रेस टू माइनस टी बाय टाउ, ठीक है। और इंटीग्रेशन भी देख लो, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ई रेस टू ए एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। सो इसको मैं इंटीग्रेट ही साथ में कर देता हूँ, तो आई नॉट स्क्वायर तो चलो कांस्टेंट है वो अलग हो गया, सो इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस टू टी बाय टाओ डी टी, फिर माइनस टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस टी बाय टाओ डी टी, ये बड़ा सा एक ब्रैकेट, ठीक है ना। चलो आई नॉट स्क्वायर आर है, चलो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, पहला इंटीग्रेशन क्या है वन डी टी, ये हो जाएगा टी प्लस ई रेस टू माइनस टू टी बाय टाओ, यहाँ से देखो ये फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला, एक ही जगह क्या लिखा है माइनस टू बाय टाओ, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस टू टी बाय टाओ डिवाइडेड बाय माइनस टू बाय टाओ, ठीक है, फिर माइनस टू ई रेस टू माइनस टी बाय टाओ डिवाइडेड बाय माइनस वन बाय टाओ, ब्रैकेट क्लोज, और लिमिट्स रख देते हैं जीरो से टी। सो आई नॉट स्क्वायर आर जीरो, सॉरी टी रखेंगे तो यही सब रिपीट हो जाएगा पूरा, तो पूरा रिपीट कर देता हूँ, टी माइनस टाओ बाय टू ई रेस टू माइनस टू टी बाय टाओ प्लस टू टाओ ई रेस टू माइनस टी बाय टाओ, अच्छा जीरो रखेंगे तो क्या आएगा माइनस जीरो प्लस ई रेस टू जीरो वन हो जाएगा तो माइनस टाओ बाय टू, फिर प्लस, फिर ये ई की पावर जीरो हो जाएगा वन हो जाएगा टू टाओ, लाइक दिस, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लो ये हो जाएगा टू टू फोर थ्री, थ्री बाई टू टाओ हो जाएगा। तो बस दिस इज योर आंसर, एक लाइन और मैं लिख देता हूँ, आई नॉट स्क्वायर आर टी माइनस टाओ बाई टू ई रेस टू माइनस टू टी बाय टाओ प्लस टू टाओ ई रेस टू माइनस टी बाय टाओ, और ये आ रहा है थ्री माइनस ऑफ थ्री टाओ बाय टू, समझ आ गया कंसेप्ट, समझो कैसे हमने हीट निकाला। इंडक्टर के साथ अगर रेजिस्टेंस भी लगा है, यहाँ मैं डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा,
ये इंडक्टर हुआ और उसके साथ एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, ठीक है ना। करंट है आई, किसने सप्लाई किया करंट? बैटरी ने किया। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी हीट जनरेट होगी वो हम डिराइव किए हैं अभी। कहाँ से किए? पावर से। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। पावर को फिर मैंने dW by dt से इक्वेट कर दिया, पिछले पेज में किया था देखो। dW इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। सो यहाँ से हम करंट को, फॉर्मूला ये होता है ना, हमने पढ़ा था कहाँ कहाँ पढ़ा था? ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट, ठीक है। तो वहाँ से ये फॉर्मूला आया और फिर इंटीग्रेट किया, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला लगा है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी हो गया इंटीग्रेशन, बट कंसेप्ट समझो उसका। हाँ, जेई में आएगा, डोंट वरी, नीट में नहीं आएगा, ठीक है। इतना लेंदी नीट में नहीं आता, वो भी एडवांस में आ सकता है, जेई एडवांस में आ सकता है ये डेफिनेटली। अभी देखो इस साल का सितंबर में होना है एडवांस, चलो ठीक है। तो फिर और ये और क्या है इंडक्टर में? हाँ, अभी नेक्स्ट कुछ डाउट हो तो पूछो, अभी मैं नेक्स्ट फिर इसमें सीरीज और पैरेलल बता देता हूँ, फिर ये चैप्टर में क्या रह जाएगा, एसी जनरेटर रह जाएगा, और फिर एसी चैप्टर हम शुरू करेंगे। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडक्टर्स, ठीक है। हाँ देखो, ध्यान से देखना, रेजिस्टेंस का मालूम ही है, कैपेसिटर का मालूम है, स्प्रिंग का मालूम है, सीरीज और पैरेलल कहाँ कहाँ आते हैं हमको फिजिक्स में? रेजिस्टेंस में आते हैं, कैपेसिटर में आते हैं, स्प्रिंग में आते हैं, और वो कंडक्शन कंडक्टिंग रॉड्स भी होती हैं, याद है हीट में पढ़ा था, वहाँ भी सीरीज पैरेलल आता है, कंडक्टिंग रॉड्स। और अब यहाँ पर आ गया इंडक्टर्स, इंडक्टर्स का भी सीरीज पैरेलल होता है। तो सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना देता हूँ सीरीज का, ठीक है ना। फर्स्ट सीरीज, ये इंडक्टर L1, ये दूसरा इंडक्टर L2। करंट है I, सीरीज में है तो करंट तो सेम ही रहना है। L1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, L2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2। तो V1 क्या जाएगा देखो ध्यान से, माइनस L1 dI/dt। V2 क्या लिखेंगे हम? माइनस L2 dI/dt। समझ आ रहा है? अब इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो है सपोज L, L1 और L2 का इक्विवेलेंट है L, मतलब ये दो इंडक्टर को मैंने एक से रिप्लेस कर दिया। सो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2, है ना, सीरीज में DC सर्किट है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और करंट तो सेम ही रहना है I। सो यहाँ से V को मैं लिखूँगा, ध्यान से देखो, माइनस L dI/dt, ठीक है, और ये होएगा V1 प्लस V2। सो माइनस L dI/dt इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ध्यान से देखो, V1 क्या है? माइनस L dI/dt, फिर माइनस L1 है ना, हाँ, माइनस L2 dI/dt कैंसिल हो गया। सो माइनस L इज इक्वल टू माइनस L1 माइनस L2। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। ये फॉर्मूला है इक्विवेलेंट का, ठीक है, समझ में आ गया, आसान है राइट। रेजिस्टेंस की तरह यहाँ लिख लो, सेम एज फॉर्मूला इज सेम एज रेजिस्टेंस, याद करने में आसानी होगी। अभी इसका मैं पैरेलल और बता देता हूँ जल्दी से,
देखो पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ध्यान रखना। ये इंडक्टर L1 है, ये दूसरा इंडक्टर L2। ध्यान से देखो करंट आ रहा है, कितना आ रहा है करंट I, ठीक है ना। L1 से कितना करंट गया I1, L2 से कितना करंट गया I2। सो ध्यान से देखो V सेम रहेगा अब, है ना, V तो सेम ही रहना है। वाई बिकॉज दे आर इन पैरेलल में हमको मालूम है, वी सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अभी देखो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो देखो ध्यान से, वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो ऊपर वाला इंडक्टर है उसके लिए हो जाएगा माइनस L1 dI1 by dt, और सेकेंड जो नीचे वाला इंडक्टर है उसके लिए हो जाएगा माइनस L2 dI2 by dt। अब इसका इक्विवेलेंट बना लेते हैं, एक इक्विवेलेंट। सो इक्विवेलेंट आ गया L, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही आना है। V करंट अब कितना हो जाएगा I1 plus I2 करंट हो गया। तो ध्यान से देखो डिफरेंशिएट कर दो करंट को, I = I1 + I2 है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो। सो DI by dt = DI1 by dt + DI2 by dt। कौन सा रूल लग गया, सम रूल लग गया, डिफरेंस अपना कैलकुलस में पढ़ा था ना, सम एंड डिफरेंस रूल डिफरेंशिएशन का। सो DI by dt क्या आ जाएगा, DI by dt देखो यहाँ से आएगा V = -L dI by dt। L क्या है, इक्विवेलेंट। सो DI by dt को लिख सकता हूँ मैं -V/L, और DI1 by dt क्या हो जाएगा -V/L1 प्लस DI2 by dt क्या हो जाएगा -V/L2। माइनस वी कैंसिल, यहाँ से देखो क्या आंसर आया, 1/L = 1/L1 + 1/L2। समझ में आ गया। इसको और फर्दर मैं और क्या लिख सकता हूँ, L = L1 L2 / L1 + L2। ठीक है, क्लियर, आसान है, राइट, वेरी इजी। सो इट इज सेम एज रेजिस्टेंस, रिजल्ट इज सेम एज रेजिस्टेंस, रिजल्ट इज सेम एज रेजिस्टेंस इन पैरेलल। बहुत ही आसान सा टॉपिक किया हमने, इंडक्टर को, जब दो इंडक्टर को एक बार हमने सीरीज में लगाया, फिर पैरेलल में लगाया। सीरीज में करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना मैं डीसी सर्किट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एसी चैप्टर अलग है, वो थोड़े कंसेप्ट वहाँ थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं एसी के लिए, वो मैं पढ़ाऊँगा, एसी डिटेल में पढ़ाऊँगा, डोंट वरी। फिलहाल हम अभी डीसी सोर्स की बात कर रहे हैं। तो चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए, देखो अभी करके बताओ। एक ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन जेई मेन में देखा गया कई बार, फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट। फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से, 2 हेनरी, 1 हेनरी, 2 ओम, 1 ओम, इसका टाइम कांस्टेंट बताओ क्या रहेगा। टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, τ = L/R। L क्या है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। करो, ट्राई करो, फर्स्ट क्वेश्चन। हम्म,
और सेकंड क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन देखो बड़े सिंपल से हैं बट केयरफुली करना पड़ता है क्योंकि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस देखने में थोड़ा एक जैसे लगता है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी में किया तो मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। बोलो फर्स्ट का क्या आ रहा है आंसर। टाइम कांस्टेंट, एल इक्विवेलेंट निकाल लो, आर इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर एल बाय आर का फॉर्मूला लगा लो। एल इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, देन एल बाय आर। बोलो आया कुछ आंसर। 9/2। अच्छा ठीक है, हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एल इक्विवेलेंट आ गया 2+1 3 हेनरी, आर इक्विवेलेंट आ गया 2×1/2+1 2/3 ओम, सो टाओ आ जाएगा एल बाय आर, सो 3/2/3, दैट मीन्स 9/2 सेकेंड्स, 9/2 सेकेंड्स आ गया, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड का भी बता दो जल्दी, सेकेंड थर्ड फोर्थ। ओके सृष्टि का आ गया आंसर। और कोई आंसर बोलो, सभी बोलो आंसर। 9/2.3, अच्छा ओके, रिंकारिका भी, चलो ठीक है। तो ये यहाँ से एल इक्विवेलेंट आ गया 3×2/3+2 6/5 हेनरी, और आर इक्विवेलेंट आ गया 1+3 दैट इज 4 ओम, सो टाओ की जो वैल्यू आ गई एल बाय आर 6/5/4, सही कर रहा हूँ ना, 6/5, हाँ 3/10 आ गया, हाँ ठीक है 3/10 आ गया, 0.3 आ गया, 0.3 सेकेंड्स, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का बोलो, थर्ड और फोर्थ दोनों को ही बता दो। अभी मैं टेस्ट अरेंज कर रहा हूँ, उसमें मुझे कुछ पेरेंट्स ने बोले कि कंबाइन टेस्ट लो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक साथ, तो मैं मनु सर से डिस्कस करके कंबाइन पेपर का मैं करता हूँ कुछ अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो 3 घंटे का पेपर रहेगा, ऑनेस्टली घर में बैठ के देना पड़ेगा सभी को, ठीक है। ऐप से पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐप से 180 क्वेश्चंस उसको अपलोड करने में बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली मैं देखा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं पेपर दे दूँगा, ठीक है, उसको ऑनेस्टली टाइम स्टॉप वॉच लगा के 3 घंटे के लिए देना पड़ेगा, और इसको हम हर संडे को करेंगे और फिर